Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do filming of CT scan pulmonary angio on Advantage Workstation version 4.6. So let's start. Patient ka select kar diya. Arterial phase jo bhi humne recon kiya hai usko select karo. Yahan se reformat mein jana hai. Okay, wapis show kar raha hu. पेशेंट का डेटा यहाँ से लेते हैं, यहाँ से रिफॉर्मेट पे क्लिक करना, यहाँ पे आ जाएगा. ओके, सबसे पहले एक चीज कर लेना आप, ये जो सिंपल रॉ डेटा जो लिया है ना, इसको यहाँ से थोड़ा उसका थिकनेस इंक्रीज कर देना. ओके, देखो थोड़ा नजदीक से बता रहा हूँ, ये जो है ना, इसको यहाँ से थोड़ा इमेज कर देना ऐसा. ओके, ये फिल्म्स में ये ऐसा आप बताओगे तो अच्छा लगेगा. इमेज हो गया, इसको थ्रोम्बस है पेशेंट को. जैसा अपना सिटी स्कैन चेस्ट का फिल्मिंग करते हैं वैसा ही करना है, बट इसको थोड़ा मीप इमेज कर देना, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देना इसका, तो ये क्या है कि इसका आर्टेरियल फेज अच्छा दिखेगा. ओके, सबसे पहले एक काम करना है आपको, सबसे पहले एक्जियल, कोरोनल और सैज, वो तीनों का मीप इमेजेस करके स्टोर कर देना. फिर मैं फिल्म में कैसे देते हैं, वो कौन सा फॉर्मेट लेना है, क्या करना है, क्या शो करना है एग्जैक्टली, वो मैं आपको बता रहा हूँ. ओके, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, लंग अपाइसिस अपाइकल पोर्शन से यहाँ से, भले ही पल्मोनरी एंजियो किया है बन फिल्म में तो पूरा देना ही पड़ता है. जैसा सिटी स्कैन चेस्ट का फिल्मिंग करते हैं वैसा ही सेम है, सिर्फ इसको थोड़ा मीप इमेजेस कर देना. ओके, लंग अपाइसिस से यहाँ पे क्लिक करो, फिल्म सेव, ये बैच बनाना है. ओके, बैच पे क्लिक किया, मैं लूप कर देता हूँ ऑलवेज, लूप पे क्लिक करके स्टार्ट, और यहाँ से पकड़ के इसको पूरा एंड तक ले जाना. बस यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ से सेट एंड कर देना, और यहाँ से इमेजेस आपको डालना है कितना चाहिए. मैं क्या है कि पहले से थोड़ा ज़्यादा इमेज लेता हूँ, फिर फिल्म में थोड़ा सेट कर देता हूँ. सपोज समझो 60 इमेज मैंने लिया है, 60 इमेज करके यहाँ से ओके कर देना, तो ये एक्जेल का बैच बन जाएगा. ओके, फिर कोरोनल पे आता है, इसको भी सेम ऐसा, इसका थोड़ा थिकनेस यहाँ से इंक्रीज कर देना, तो ऐसा मीप इमेज हो जाएगा. पल्मोनरी एंजियो में ऐसे ही इमेज देना ऑलवेज, बहुत ज़्यादा उसको थिकनेस मत बढ़ा देना, नहीं तो ये इसका थ्रोम्बस वगैरह नहीं दिखेगा. इसको भी वैसे ही एंड सुपीरियर दो, यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट, सेट स्टार्ट करना, इसको पकड़ के नीचे ले जाना यहाँ तक, सेट एंड, इसका भी इमेजेस डाल दो 50 और कर दो ओके, ये भी स्टोर हो जाएगा. ओके, अभी वैसे आते हैं सेज पे, इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर दो थिकनेस. इसको राइट टू लेफ्ट ध्यान रखना, राइट से ले रहा हूँ मैं, ये कर्सर है मेरा, राइट टू लेफ्ट जाएगा. राइट पे क्लिक किया, सेट स्टार्ट, इसको पकड़ के ऐसा खींच लो, ये देखो ये कर्सर, देखो राइट से लेफ्ट जा रहा है, आपको ठीक रहेगा. एंड तक कर दो, सेट एंड, इसको भी 50 इमेज लेके ओके. ये हमारा बैच रेडी हो गया है, एक्जियल, कोरोनल और सैज. ठीक है, अभी फिल्म्स में कैसे देते हैं, क्या शो करना है, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पे डाल के सब मैंने रेडी रखा है. ओके, देखो जब भी फिल्म में देते हैं ना, तो ये पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरीज और उसके ब्रांचेस, वो कभी भी मिस मत करना, एक भी कट उसका मिस मत करना. आपको डायग्नोसिस पता है कि एग्जैक्टली क्या है, तब कोई इमेजेस आप छोड़ देते हो फिल्म में, डेट इज ओके. ठीक है, फिल्मर में आता है, एक्जियल, सेज और कोरोना, देखो अभी मैंने फॉर्मेट लिया है 28 का,
30 इमेजेस भी ले सकते हो। मैं क्या चीज देखता हूँ कि कभी भी विंडो में स्पेस छोड़ नहीं देता हूँ, मेरा वो टेक्निक है। अभी इसको इतना जूम कर देना, रिब्स वगैरह का कटना नहीं चाहिए फिल्म्स में, इतना ध्यान रखना, इतना ज्यादा जूम कर सकते हो। भले ही पल्मोनरी एंजो किया है बट इमेजेस तो लंग अपाइसिस तो डायफ्राम तक देना ही पड़ेगा, लीवर एंड हुआ तब तक। ओके, ये रिब्स कटना नहीं चाहिए, इतना ही ध्यान रखना है आपको। और ये आर्टरी जो है वो एक भी इमेज मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्कैन करते हो, फिल्मजी इम्पोर्टेंट है, दूसरे लोग फिल्मजी आपके देखेंगे, फिल्म से ही आपका पता चलेगा कि आप स्कैन कैसा कर रहे हो। ठीक है, देख सकते हो एक्जिल का फिल्म हो गया, यहाँ पे एक रेफरेंस दे देना कि डॉक्टर को कभी कभी इमेजेस से रेफरेंस कर सकते हैं कि यहाँ से इमेज गया है तो ये इमेज ये वाला है, ऐसा करके। ठीक है, अभी कोरोनल पे आ गए। कोरोनल पे क्या है कि जहाँ से हार्ट स्टार्ट होता है, फिर मैंने 20 का फॉर्मेट लिया है, और जूम करके भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, फिर उसमें बहुत फिल्म्स जाती है। इसको मैंने ये हार्ट से स्टार्ट हुआ है, ये देखो ये पल्मोनरी आर्टरीज परफेक्ट दिख गया, यहाँ पे थ्रोम्बस है, यहाँ पे एंड हो गया ये आर्टरी। ये जो नीचे जो मैंने दिया है 10 इमेज, उसको मैंने किया है ऐसे ही लंग विंडो की तरह, लंग विंडो करके देना है। ओके, ये लंग विंडो ये वाला इमेज करके देना है, कुछ इमेजेस एमएपी इमेज है पर लंग विंडो करके दिया है, देखो यहाँ पे मैंने आधा। तो ये जो ब्रांचेस वगैरह रहती है ना वो भी फिल्म्स में दिखाना पड़ता है। ठीक है, एक जेल हो गया, कोरोनल हो गया, अभी क्या है, मैं थर्ड इमेज में ऐसा दे रहा हूँ। सजाइडल क्या है उसका मैं कम इमेज दे रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट करके यहाँ पे एक रेफरेंस इमेज दे देना, फिर एक इमेज जो है पॉजिटिव जो रहता है वो मैं एक इमेज यहाँ पे पॉजिटिव डाल देता हूँ, कोरोनल भी डाल देता हूँ कभी कभी, बट ये मेरा एक फॉर्मेट है, इसमें कुछ भी पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव शो कर देता हूँ कि डॉक्टर को कोई भी उसके जो भी कंसल्टेंट है वो जब रेफरेंस करते हैं तो वो डायरेक्ट बड़ी इमेज देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो मैंने आधा आधा इमेज करके इसको यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया, ऐसा एक ही इमेज है पर बहुत बड़ा दिख रहा है। उसको कैसे करना है कि यहाँ से फिर वापस चले जाना, इसमें अपना रिफॉर्मेट है ना, यहाँ से क्या है कि एक एक इमेज को देख लेना है आपको, कहाँ दिख रहा है क्या है, उसको यहाँ से ऑब्लिक करके आपको जैसे भी करना हो वैसे आप उसको टर्न करके शो कर सकते हो। वैसे ही कोरोनल में से भी पॉजिटिव इमेज दे सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है, बट ये मेजर फॉर्मेट है। ये जो मैंने 3D बनाया है ना उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, वैसे तो पल्मोनरी एंजो में ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है। मेनली क्या है, कंसल्टेंट ये देख लेते हैं कि थ्रोम्बस है कि नहीं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है कि नहीं, तो ये वाला इसमें ही परफेक्ट दिख जाता है। ओके, वापस बता देता हूँ एक बार, एक जेल का फिल्मिंग हो गया, जैसे चेस करते हैं वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसको मीप इमेजेस कर देना, स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक देना है लीवर का, मेनली कॉन्सेंट्रेट करना पल्मोनरी आर्टरीज के ऊपर ही। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।